For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद अपनी स्पेशलाइजेशन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से गायनी एंड ऑब्स के शोबे में की और अरसा 20 साल से इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। आज मरहम के फोरम पर आके मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन है जिसमें कि वो झिल्ली जो कि बच्चेदानी के अंदर होती है वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी बड़ी थैलियाँ या सिस्ट बन जाती हैं। इसकी वजह से ख्वातीन जो है वो एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती हैं। अगर टोटल देखा जाए कि हमारी सोसाइटी में कितनी ख्वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो वो 100 में से 10 से 12 हैं और इन ख्वातीन में से 40-60% ख्वातीन ऐसी हैं जो कि डिसमरोरिया जिसे हम कहते हैं यानी पेनफुल पीरियड्स माहवारी के अयाम में शदीद दर्द के साथ नौजिया वॉमिटिंग के साथ प्रजेंट करती हैं और इसमें से इतनी ही ख्वातीन यानी 40% तकरीबन ख्वातीन वो हैं जो कि मुसलसल पेट के निचले हिस्से के दर्द या वर्म की शिकायत करती हैं। अब आप ख़ुद देखें कि एक खातून जब मुसलसल इस एग्नी से गुजर रही हो तो वो अपनी उस ना सिर्फ उसकी अपनी लाइफ बल्कि पूरा घर मुतासिर होता है। इसके साथ साथ 20-50% ख्वातीन वो हैं जो इनफर्टिलिटी या बांझपन में मुब्तला हो जाती हैं। बांझपन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हार्मोन जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं उसकी मकदार कम हो जाए। सो इसके लिए जब आप अपने डॉक्टर से रजू करेंगे तो वो आपको कंप्लीट एग्ज़ामिन करेंगी, हिस्ट्री लेंगी, एग्ज़ामिनेशन के बाद कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगी जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, MRI है, ब्लड के टेस्ट होते हैं और फिर एक लेप्रोस्कोपी भी वो एडवाइस कर सकती हैं। ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो हम उसमें दवाइयाँ भी दे सकते हैं और सर्जरी भी है। ये पेशेंट की कंडीशन और उन टेस्टों की रिपोर्टों से ही असेस किया जा सकता है कि वो पेशेंट किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। अद्वियात में पेन किलर्स या दर्द कम करने वाली अद्वियात हो सकती हैं। इसके अलावा हार्मोन्स हो सकते हैं जो खाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं या टीके की सूरत में भी हो सकते हैं। लेकिन उस खातून को ये पता होना चाहिए कि जैसे ही ये दवाइयाँ छोड़ेंगी वो तो तकरीबन 2-3 साल के अरसे के दौरान 50% ख्वातीन में वो बीमारी दोबारा डेवलप हो जाती है। सो ये इसका परमानेंट हल नहीं है। अगर कुछ सिस्ट बहुत बड़ी हो तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ सकता है। छोटी सिस्ट लेप्रोस्कोपी के ज़रिए निकल सकती हैं लेकिन बड़ी सिस्ट को ऑपरेशन और कई दफ़ा वो काफ़ी बड़ी सर्जरी में एंडअप हो जाती हैं। इसका अल्टीमेट क्योर आती है वो तब आती है जब वो खातून मीनोपॉज अचीव करती है जिसे सनेयास कहते हैं। सो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप खुद या आपके कोई रिलेटिव उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हो, कहीं खुदा न खास्ता उसमें मुब्तला हो, तो आप मरहम के फोरम के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके कभी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं।